ठीक है, लास्ट क्लास में हम क्या कर रहे थे, पायरोल सिंथेसिस के मेथड पढ़ रहे थे कि पायरोल हम किस तरह से सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो दो मेथड हमने पढ़े थे, कौन कौन से, पोलनोर और नोर पायरोल सिंथेसिस। ठीक है, अब आपका आज पढ़ेंगे हम थर्ड मेथड, जो क्या है, हैंड्स मेथड। ठीक है, हैंड्स विधि क्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कौन सा थर्ड मेथड है हमारा, हैंड्स विधि। ठीक है, अब हमने क्या किया था लास्ट क्लास में कि हमने एसीटोएसिटिक एस्टर लिया था, ठीक है, उसके दो मॉलिक्यूल लिए थे, उनकी रिएक्शन करवाई थी हमने अमोनिया के साथ और आपका पायरोल रिंग बनी थी। यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके अंदर एक तो लेना है कोई भी कीटोन का हैलाइड। ठीक है, कीटोन का हैलाइड का मतलब क्या किया, हमने जैसे एसीटोन है, ये हमारा एसीटोन का मॉलिक्यूल है, इसमें हमने क्या किया, किसी भी एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करवा दी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये रिप्लेस करेगा एक हाइड्रोजन को किसी भी हेलोजन से। ठीक है, मान लो हम यहाँ पे क्लोरीन ले रहे हैं, ठीक है, ये तो ऐसा कोई कंपाउंड लेते हैं, इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं किसके साथ, दूसरे एसीटोएसिटिक एस्टर के मॉलिक्यूल के साथ। ठीक है, दूसरा जो मॉलिक्यूल लेंगे वो क्या लेंगे, एसिटो एसिटिक एस्टर का। ठीक है, और इसके साथ में क्या लेंगे, एक लेंगे अमोनिया का मॉलिक्यूल। सेम वही रिएक्शन है जो हमने लास्ट में की थी, इसके अंदर क्या होता है कि ये लास्ट वाली रिएक्शन जो थी उसके अंदर हमने दो एसिटो एसिटिक एस्टर के मॉलिक्यूल लिए थे। ठीक है, दोनों में क्या थे, कार्बोनिल कंपाउंड थे। ठीक है, कार्बोनिल कंपाउंड को हमने क्या किया, इनोल में कन्वर्ट कर दिया और उसकी रिएक्शन अमोनिया के साथ करवाई और उसके साथ दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाले। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे या तो आप ये कर सकते हो, पहले इस क्लोरोएसीटोन की रिएक्शन करवा दो अमोनिया के साथ, तो ये क्या करेगा, एमीन जो ग्रुप है ये क्लोरो को रिप्लेस कर देगा। ठीक है, या मतलब यहाँ पे क्या है, क्लोरो की जगह एनएच टू आ जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ क्लोरो की जगह एनएच टू आता है तो हम क्या करते हैं, उस एनएच टू से इसकी रिएक्शन करवाते हैं, एक वाटर मॉलिक्यूल, दो वाटर मॉलिक्यूल हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, एक एक किसका निकलेगा, इसी के ही दूसरे कार्बन के साथ और एक इसके कार्बन के साथ। ठीक है, सेम वही प्रोसीजर है, आपको बस क्या करना है, इस मॉलिक्यूल को खोल के लिखना है। ठीक है, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालना है, आपकी सिंपल पायरोल की रिंग बनेगी। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसको ही आप खोल के लिखो, किस तरह से लिखोगे कि ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, आपको क्या करना है, दो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने हैं। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो तो ये हाइड्रोजन यूज करेंगे अमोनिया के, दो जल के अणु निकालने हैं, दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल यूज करेंगे अमोनिया के, OH माइनस जो यूज करते हैं वो एक इसका एक इसका। ठीक है, अब इनमें से करेंगे कैसे कि ये जो है इनका हम क्या बनाते हैं, जैसे हमने लास्ट जो रिएक्शन की थी उसमें इनोल बनाया था, कीटो का इनोल फॉर्म, उसी में हम इसमें भी हम क्या करेंगे, कीटो का इनोल फॉर्म बनाएंगे। तो अगर इसका कीटो का इनोल फॉर्म बनता है तो ये किस तरह से बनेगा, इस तरह से। अच्छा, इनोल फॉर्म बनाएंगे तो हम ये भी बाहर निकाल देंगे या फिर ये कर देंगे कि हमने ये हाइड्रोजन यहां से रिप्लेस कर दिया ऑक्सीजन के ऊपर, ये कीटो फॉर्म था, ये इनोल फॉर्म था, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म चला, वैसा आती है ना आपको, कि आपको करना क्या है, सिर्फ एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, कहां पे लेके जाना है, ऑक्सीजन के ऊपर लेके जाना है, यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन है ये ट्रांसफर होते हैं यहाँ पे, इस पे आता है नेगेटिव चार्ज और ये H+ निकला, ये जुड़ेगा किसके साथ, इस O नेगेटिव के साथ। ठीक है, इसी तरह हम क्या करते हैं, इसका भी बनाते हैं इनोल। ठीक है, तो इसका कैसे बनाओगे, इसको इस तरह से लिखते हैं, ये OH, ये डबल बॉन्ड CH और आगे का COOC2H+, इस तरह से। ठीक, अब इनमें क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल दो बाहर निकालने हैं, एक तो निकलेगा इसका इसके साथ, एक निकलेगा इसका इसके साथ। ठीक है, और जब हम बॉन्ड बनाएंगे नाइट्रोजन का इसके साथ, यानी एक तो बॉन्ड बना ये वाला, एक बॉन्ड बना ये वाला। ठीक है, और आगे वाला बॉन्ड कैसे बनेगा, जब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच में एक ये पाई बॉन्ड तोड़ के यहाँ पे लेके आएंगे, तो यहाँ से जब भी इसका बॉन्ड बनेगा तो यहाँ से ये क्लोराइड बाहर निकलेगा। सिंपल सा है, आपको मैकेनिज्म नहीं लिखनी है।
ठीक है, आपको क्या करना है, मॉलिक्यूल लिखने हैं कि आप क्या कर रहे हो, एक मोनो क्लोरो एसीटोन ले रहे हो, ठीक है, इसकी रिएक्शन एसीटो एसिटिक एस्टर के साथ प्लस अमोनिया, आपको बनेगा क्या, सीधा सिंपल पाइरोल रिंग, ठीक है। लेकिन ये क्या होगी, सब्स्टिट्यूटेड होगी, तो आपको ये याद ध्यान रखना पड़ेगा कि एक पर तो क्या आएगा, CH3 आएगा, ठीक है, यानी एक पोजीशन पे CH3 आएगा और इसमें एक तरफ CH3 और एक तरफ ये आएगा CO C2H2, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, बस सिंपल सी है, आपको मैकेनिज्म नहीं करना है इसका, डायरेक्टली इसका आंसर लिखना, ठीक है। ये क्या हो गए, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कंप्लीट हो गए पाइरोल की। अब क्या करना है कि पाइरोल की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, भौतिक गुण क्या क्या होते हैं, ठीक है, तो भौतिक गुण वैसे पूछे नहीं जाते हैं, भौतिक गुणों के लिए हम क्या करते हैं कि पाइरोल जो होता है वो सिंपल सा जनरल नॉलेज के लिए कि जो पाइरोल है वो क्या होती है, रंगहीन द्रव की फॉर्म में होता है हमेशा, ठीक है। अगर उसको खुला करके आप ऑक्सीजन की कॉन्टेक्ट में रखते हो, यानी खुला रखते हो पाइरोल को जो कि एक लिक्विड है, तो वो क्या होता है, कलर चेंज कर देता है, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके वो ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। एक चीज तो ये, एक फिजिकल प्रॉपर्टी के अंदर हम ये भी पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है पाइरोल रिंग की, तो वो मैंने आपको कल बताया कि पाइरोल रिंग जो होता है वो क्या होता है, एरोमेटिक स्ट्रक्चर होती है, तो एरोमेटिक स्ट्रक्चर हमेशा स्टेबल होती है, किसकी वजह से होती है, अनुनाद की वजह से होती है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अगर स्टेबिलिटी बतानी है कि पाइरोल स्टेबल है या नहीं है, तो आप क्या बताओगे कि पाइरोल जो रिंग है वो क्या होती है, स्टेबल किसकी वजह से, अनुनादी संरचनाओं की वजह से, ठीक है, और आपको अनुनादी संरचना वो ड्रॉ कर ली, ठीक है। अब बनाओ, इसकी अनुनादी संरचनाएं बनाओ, देख ली अम्लीय प्रवृत्ति क्या होती है कि जब कोई मॉलिक्यूल किसी सॉल्यूशन के अंदर H+ देता है ना, अम्लीय प्रवृत्ति कोई भी मॉलिक्यूल कब दिखाता है, जब वो H+ देगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पाइरोल रिंग है ये क्या करेगा, H+ देता है, कैसे देगा, जब भी हम क्या करेंगे, ये बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है, पहला ये जो अनुनादी संरचना बनाती है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है, तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आता है, तब ये क्या करेगा, बहुत आसानी से H+ को डोनेट कर देगा, ठीक है। इसलिए क्या होता है, पाइरोल की प्रवृत्ति अम्लीय भी होती है और क्षारीय होती है या नहीं होती, क्षारीय का मतलब क्या है कि वो H+ को ग्रहण करे, ठीक है। अगर हम क्या करते हैं, पाइरोल रिंग के ऊपर H+ को लाके जोड़ेंगे, एक और H+ लाके जोड़ा, तो फिर यहाँ पे क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब क्या है, अब अगर इसकी अनुनादी संरचना बनती है, ठीक है, तो ये ज्यादा स्टेबल होगा देन कंपेयर टू उसकी अम्लीय प्रवृत्ति, ठीक है। अगर ये कम स्टेबल होता है तो वो क्या होगा, इसकी क्षारीय प्रवृत्ति कम होगी अम्लीय की तुलना में, ठीक है। तो अब देखो कि इसमें सिंपल क्या किया, जब हमने H+ निकाला था तो ये पूरी आपकी एरोमेटिक कंपाउंड ही बना, ठीक है, यानी आप इसमें से जब भी H+ निकाला तो हमने क्या किया, इस तरह से ये रिंग बना दी, इस तरह से बनाई, है ना,
और इसके अंदर जब भी H+ जोड़ा तब हमने क्या किया, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेके आए। यानी एक तो चीज है कि नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, एक क्या है जहां पर नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं है कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो कौन सी ज्यादा स्टेबल होती है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज? स्टेबल स्थाई कौन सा ज्यादा होता है, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्थाई होता है या नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्थाई होता है? जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होगा, जिसकी विद्युत ऋणात्मकता जितनी ज्यादा होगी उस पे नेगेटिव चार्ज उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू पॉजिटिव, ठीक है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज की तुलना में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। तो अगर हम इसकी अनुनादी संरचना बनाएंगे तो क्या होता है, इसकी अनुनादी संरचना किस तरह से बनाओगे? डबल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज अगर अल्टरनेट है तो वहां भी एक अनुनादी संरचना बनती है। कैसे बनती है कि हम इलेक्ट्रॉन जो है ये पाई बॉन्ड वाले ये लेके जाते हैं कहां पे, इन दोनों के बीच में, है ना, ये करते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर हम ये इलेक्ट्रॉन इधर लेके जाएंगे तो ये जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर ऑलरेडी तो चार बॉन्ड बने हुए हैं, ये पांचवा बॉन्ड बन जाएगा, तो मतलब हमें यहाँ से H+ को बाहर निकालना पड़ेगा। मतलब ये क्या कर रहा है, एसिडिक प्रवृत्ति शो कर रहा है। तो मतलब यहाँ पे इसकी हम कोई स्ट्रक्चर नहीं बना सकते। अगर स्ट्रक्चर नहीं बना सकते तो पाइरोल जो है वो अम्लीय प्रवृत्ति ज्यादा शो करेगा देन कंपेयर टू बेसिक नेचर, ठीक है। क्षारीय प्रवृत्ति की जगह ये कौन सी ज्यादा प्रवृत्ति शो करेगा, अम्लीय प्रवृत्ति, ठीक है, क्योंकि H+ बहुत आसानी से ये निकाल देता है। ये भी इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है, ठीक। स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है, अनुनादी संरचनाओं की वजह से होती है। अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको अनुनादी संरचनाएं सारी बना के दिखानी है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या होता है कि ये जो रिएक्शन होती है पाइरोल की वो किस तरह से होगी, पाइरोल की अभिक्रिया। तो पाइरोल क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड ही है, ठीक है। तो एरोमेटिक जितने भी यौगिक होते हैं उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड है उनकी अभिलाक्षणिक अभिक्रिया कौन सी होती है, इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या नाभिक से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया? इलेक्ट्रॉन्स ने ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो भी आपका एरोमेटिक स्ट्रक्चर है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, उसके पास हमेशा इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है उसके पास, ठीक है। तो उस पर हमेशा कौन सा होता है, इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करता है। अब क्या कि ये जो पाइरोल रिंग है इसके ऊपर इलेक्ट्रोफाइल दो पोजीशन पे आके जुड़ सकता है, कौन सी, अल्फा और बीटा, ये अल्फा अल्फा डैश, ये बीटा बीटा डैश, ठीक है, दो पोजीशन है। या फिर अगर हम इसे IUPAC में करें तो ये 1, 2, 3, 4 और 5, तो ये क्या है, 2 या 3, ये दोनों सिमिलर है, 4, 5, 2, 3 सिमिलर है, आपको ये भी एक ले लो, 2 या 3, इन दोनों पोजीशन पर या अल्फा या बीटा दोनों पोजीशन पर इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक कर सकता है। लेकिन कहाँ पे आके जब अटैक करेगा तो आपका सबसे ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनता है या सबसे ज्यादा अमाउंट में प्रोडक्ट बनता है, उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल लेना है, उसका अटैक करवाना है। एक बार करवाओगे सेकेंड पोजिशन पे, एक बार करवाओगे थर्ड पोजिशन पे, ये मैं आपको पहले एक बार बता चुकी हूँ, फिर भी एक बार इसको बना के देखो, ठीक है। क्या करो आप, दो चीजें करो, एक तो क्या करो, इसकी सेकंड पोजीशन के ऊपर एक इलेक्ट्रोफाइल को लाके जोड़ो, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे जुड़ेगा, जहां पे नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव चाहिए हमें सेकंड पोजीशन पे, क्योंकि हम अटैक करवा रहे हैं सेकंड पोजीशन पे। तो यहाँ पे हम जोड़ देंगे क्या, इस इलेक्ट्रोफाइल को, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी एक हाइड्रोजन है ना, तो इसको अभी हम इस तरह से लिख देंगे कि एक हाइड्रोजन है ये, इस तरह से, इस पे क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या करो आप, इसकी अनुनादी संरचना बना के देखो कि कितनी अनुनादी संरचना बनती है। दूसरा हमें क्या करना है कि यही जो इलेक्ट्रोफाइल है इसका अटैक करवाना है थर्ड पोजीशन पे। ये हमारी क्या थी, सेकंड पोजीशन या सेकंड स्थिति के ऊपर हमने इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाया। अब क्या करना है, थर्ड पोजीशन के ऊपर आपको इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करवाना है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको थर्ड पोजीशन पे अगर इलेक्ट्रोफाइल लाना है तो मतलब नेगेटिव चार्ज आपको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, थर्ड वाली पोजीशन पे। तो मतलब हम इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लेके जाएंगे, ठीक है। जब इस तरह से लेके जाएंगे तो यहाँ पे ये क्या बनेगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रोफाइल, और ये है ना। अब ये दो स्ट्रक्चर बनी इलेक्ट्रोफाइल जोड़ने के बाद,
ये क्या है, एक इंटरमीडिएट बनता है, एक तरह से मध्यवर्ती बनता है, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। तो उसका मतलब ही क्या है कि जो पहला आपका अटैक होता है किसी भी मॉलिक्यूल के ऊपर वो इलेक्ट्रोफाइल का होगा। पहला ही स्टेप ये होगा कि सबसे पहले एक इलेक्ट्रोफाइल उस मॉलिक्यूल पे आके जुड़ेगा। यही हमारी इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो सबसे पहले हमने एक स्टेप कंप्लीट कर दिया, दोनों ही पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल को लाके अटैच कर दिया। अब ये अटैच करने के बाद में अगर कोई भी आयनिक स्पीसीज बन रही है, मतलब ये क्या है, इंटरमीडिएट है, ठीक है, मध्यवर्ती है। अगर ये मध्यवर्ती है तो इसकी मध्यवर्ती संरचना जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उत्पाद उतना ही ज्यादा बनेगा, है ना। मध्यवर्ती जितना ज्यादा स्थायी होता है उतना ही ज्यादा आपका उत्पाद बनता है। तो आपको ये देखना है कि इन दोनों में से कौन सी पोजिशन ज्यादा स्टेबल है। अब ये कैसे देखोगे, सिंपल अनुनादी संरचना से ही देखना है, क्योंकि हम सारी यहाँ पे अनुनादी संरचना ही देख रही है। तो करना क्या है, आपको काउंट करना है कि किसकी अनुनादी संरचना ज्यादा बनती है। जिसकी अनुनादी संरचना ज्यादा बनेगी वो उतना ही ज्यादा आपका स्टेबल होगा, उससे बनने वाला उत्पाद आपका ज्यादा बनेगा। यानी उसी पोजीशन पर हम हमेशा क्या करेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को लाके जोड़ेंगे, ठीक है। अब बनाओ इन दोनों की अनुनादी संरचनाएं, बनाओ, आपने बनाई थी पहले, अब फिर दोबारा बनाओ इन दोनों की अनुनादी संरचना बनाओ और ये देखो कि किसकी कितनी ज्यादा अनुनादी संरचना बनती है। जिसकी ज्यादा अनुनादी संरचना बनेगी वहीं पे जाके आपका इलेक्ट्रोफाइल ये बनती है। अब मुझे बाद में दिखाना, ठीक है। इसमें क्या है, सेकंड पोजीशन पे हमने बनाई तो हमारे पास तीन अनुनादी संरचना बनेगी। इस तरह से बनी, सबसे पहले क्या किया, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी तरफ हम इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये क्या होता है, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन हमने क्या कर दिए, इन दोनों कार्बन के बीच में लेके आए, तो इसकी संयोजकता कंप्लीट हो गई, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ये आपकी पहली अनुनादी संरचना, यानी सेकंड, ये तो पहली थी, ये सेकंड, ठीक है। अब क्या किया, अब नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, उसका यूज किया और नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आया, ये आपकी तीसरी अनुनादी संरचना। इसके आगे नहीं बनेगी, क्यों नहीं बनेगी, क्योंकि इधर क्या है, इधर नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इधर आगे जा रहे हैं तो इधर sp3 कार्बन है, तो यहाँ पे तो कोई इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, ठीक है। ऐसे बिना किसी रिएजेंट के h+ बाहर नहीं निकलेगा, तो यहाँ से कोई भी आगे अनुनादी संरचना नहीं बनती है। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या है, इसको हम इस तरफ नहीं लेके आ सकते। अगर हम इसको इस तरफ लेके आते हैं तो यहाँ पे ये एक ही अनुनादी संरचना बनेगी। यहाँ से यहाँ पे अगर लेके आएंगे तो क्या होगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और ये जब नाइट्रोजन पे यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा तो इस पे नाइट्रोजन पे भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, चारों सब पे तीन पोजिशन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इधर नहीं लेके आ सकते, इसको अगर इधर लेके जाएंगे तो भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसके ऑल्टरनेट में ना तो कोई पॉजिटिव चार्ज है, ना नेगेटिव चार्ज है, ना लोन पेयर है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ एक नाइट्रोजन के लोन पेयर को यूज कर सकते हैं और यहाँ पे एक अनुनादी संरचना बन सकती है। तो थर्ड पोजिशन पे आपके सिर्फ एक ही ये दो अनुनादी संरचनाएं बनती है। सेकंड पोजिशन पे अटैक करवाते तो तीन अनुनादी संरचना बनती है। जिसपे जितनी ज्यादा अनुनादी संरचना बनेगी वो उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा और वहां पर इलेक्ट्रॉन्स से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी उतनी ही ज्यादा होगी। यानी जितने भी हम इलेक्ट्रॉन्स से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पाइरोल में कराएंगे वो सारी कहाँ पे करवाएंगे, सेकेंड पोजिशन पर ही करवाएंगे, ठीक है। ये आपका टॉपिक हुआ। अब हमें नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ना है, यही पढ़ना है कि पाइरोल की जितनी भी इलेक्ट्रॉन्स से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है वो कौन कौन सी होगी, ठीक है। उसका सिंपल सा नेम है, एक स्टार्ट करके देख लो, और हमेशा कहाँ पे करवानी है, सेकंड पोजीशन पे करवानी है, ठीक है। टॉपिक है आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया।
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, क्या होगा, जैसे पहली रिएक्शन होती है आपकी हेलोजिनेशन की, हेलोजनीकरण की, ठीक है। अब देखो हेलोजनीकरण जो है उसमें क्या होता है, हमेशा हेलोजन का एडिशन होता है, ठीक है। हेलोजन का जो एडिशन है वो कहाँ पे होगा, अब देखो क्या चीज है, पाइरोल रिंग है, यानी यहाँ पे क्या है हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, हम पाई इलेक्ट्रॉन को तोड़ के उसकी जगह हेलोजन जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास हेलोजन जो है वो बहुत ज्यादा अमाउंट के अंदर है तो ये क्या करेगा, ये इसकी चारों ही पोजीशन को रिप्लेस कर देगा, ठीक है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया चारों पोजीशन पे होगी, चारों ही पोजीशन पर आपका हैलाइड के मॉलिक्यूल आके जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम कोई भी एक कंडीशन लेते हैं जिसके अंदर हम सिर्फ मॉलिक्यूल एक ही लेते हैं हेलोजन का, तब वो जो एडिशन होता है या सब्स्टिट्यूशन होता है वो कहाँ पे होगा, सेकंड पोजीशन के ऊपर ही होगा, ठीक है। तो पहली रिएक्शन है ये आपकी हेलोजिनेशन की, कि अगर हम हेलोजन बहुतायत में लेते हैं यानी अधिक मात्रा में लेते हैं, एक्सेस में लेते हैं, तो ये क्या करेगा, इस पाइरोल रिंग की सारी पोजीशन को सब्स्टिट्यूट कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा, और यहाँ पे आपका क्या आके जुड़ेगा, ये हेलोजन आके जुड़ जाएगा इस तरह, ठीक है। ये आपकी पहली रिएक्शन है और इसी तरह से आपकी बाकी की रिएक्शन होगी। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, ये हैलाइड एक्सेस में ना लेके एक फिक्स क्वांटिटी में लेते हैं, एक फिक्स रिएक्शन की कंडीशन में लेते हैं, अभिक्रिया की कोई भी एक शर्त में लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, इसके सिर्फ अल्फा पोजीशन या फिर इस सेकेंड पोजीशन पर ही लाके हेलोजन को एड करेंगे। ये आपकी हेलोजनीकरण रिएक्शन है और इसी तरह की बाकी सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो कल वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।